पहाड़ की चोटी पर स्थित मैहर देवी का ये मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। मान्यता है कि मैहर वाली माँ शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहाँ वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गई। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक माँ शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का हाथ गिरा था। धार्मिक यात्रा पर निकले दस्तक भारत के एडिटर इन चीफ अनुराग द्विवेदी ने शारदा धाम के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पांडे के पुत्र पुजारी पवन जी महाराज और नितिन जी महाराज के साथ ही सुमित जी से माँ के अलौकिक महिमा के बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। माता दी, आज हम मैहर धाम पर मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रधान पुजारी देवी प्रसाद जी के जहाँ निवास करते हैं उस गुफा में हमारे साथ सुमित जी महाराज मौजूद हैं। आपसे पहले आप द्वारा हम लोगों को दर्शन भी कराया गया है। आपसे पहले नितिन जी महाराज जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो आइए सुमित जी महाराज जी से थोड़ा इस भव्य मंदिर के बारे में, जो अलौकिक अद्भुत छटा है और माता जी का के बारे में कुछ जानते हैं। तो सुमित जी, आपका दस्तक भारत में हमारा स्वागत है। माता जी की यहाँ इतिहास के विषय में अगर हम बात करें तो माँ शारदा का ये मंदिर आदिशक्ति शक्तिपीठ है। माँ शारदा यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं, स्वयंभू हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में जो 52 अंग माँ सती की गिरे हैं उसमें से ही माँ का कंठ और माँ का हार यहाँ पे इस त्रिकूट पर्वत पे गिरा था। इस त्रिकूट पर्वत में माँ का हार गिरने से स्थान का नाम पड़ा मैहर और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये हजारों वर्ष प्रमाणित मंदिर है ये, और माँ शारदा के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, पहले कुछ 2-4-6 लोग आते थे, फिर 100 लोग, फिर 200, फिर 500, 1000, 10000, 50000, आज लाखों की संख्या में माँ शारदा के दर्शन करने भक्तगण आ रहे हैं और मनमांचित फल पा रहे हैं। माँ के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आया है उसे कोड़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र जैसा अद्भुत वरदान माँ शारदा के दरबार से प्राप्त हुआ है। क्या इसकी भी टाइमिंग है माँ शारदा की, कब कितने बजे कपाट बंद होता है, कब खुलता है, या जाड़ा में कब खुलता है, गर्मी में कब खुलता है, ऐसा कुछ जानकारी दे दें। दरबार खुलने का समय प्रातःकालीन भोर में, गर्मी के समय 5 बजे करीब आरती होती है और शाम को 7:30 बजे माता जी के मंदिर बंद हो जाते हैं आरती होके। और यहाँ पे जैसी भीड़ होती है वैसी व्यवस्था होती है। नवरात्रि के समय 3 बजे से हो जाता है, और जब ठंड का समय आता है, शीतकालीन सत्र आता है, तो 6 बजे तक कार्यक्रम होते हैं। तो ये तो समय समय के आधार पे होता है, जब जैसा समय होता है। भीड़ का अपना एक अलग समय है, गर्मी का अपना एक अलग समय है, और ठंड का अपना एक अलग समय होता है। जय माता दी। आज मध्य प्रदेश के मैहर धाम के प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ के बारे में आपको बता दें, पहले तो ये त्रिकूट पर्वत पे स्थित है जो जमीन से 600 फीट के ऊपर ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर दर्शनार्थियों को, भक्तों का आने के लिए सीढ़ी का रास्ता है जो 1061 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। वहीं रोप वे के जरिए भी आप आ सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चढ़ने में असमर्थ हैं या डायबिटिक हैं या किसी बीमारी से और ग्रसित हैं, उनको आने जाने का रास्ता है। जहां देखा जाए ये मैहर प्रांगण, मैहर धाम आपको दिखा दें, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि मैहर धाम का दर्शन हमारे दर्शकों को करा दें। और इसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव सती देवी के शव को जब लेकर जा रहे थे, गोदी में लेकर जा रहे थे, तो उनका हार इसी जगह पर गिरा हुआ था। तो यहाँ पर माता जय माँ शारदा देवी की स्थापना हुई, और ये स्थापना भी आज नहीं, 522 ईस्वी पूर्व ईस्वी के पहले की स्थापना है।
यहाँ के बारे में ये भी मान्यता है कि आल्हा और उदल दो भाई उस समय यहाँ पूजा करने आते हैं जब रात में मंदिर के पुजारी कपाट बंद करके नीचे चले जाते हैं, तब यहाँ पे वो आके पूजन करते हैं। और सुबह लोग बताते हैं कमल का फूल सबसे पहले जब कपाट खुलता है तो चढ़ा चढ़ा मिलता है। इसके साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक ये भी मान्यता है कि आल्हा और उदल ने 14 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी, उसके बाद माँ शारदा की स्थापना हुई और वो प्रसन्न होकर भक्ति और भाव से प्रसन्न होकर अपनी जीभ को उन्होंने चढ़ा दिया था, लेकिन माँ शारदा ने उस जीभ को वापस कर दिया। और यहाँ पे बहुत से ऐसे भक्त हैं यहाँ जिनकी मनोकामना पूरी होती है, तो ऐसे भी लोग हैं, अभी कुछ लोगों को आपसे रूबरू भी कराऊंगा। ये 51 शक्तिपीठों में मानी जाती है, जैसे माँ शारदा मैहर पे आप मौजूद ही हैं, इसके अलावा विंध्याचल भवानी हैं और बहुत से ऐसे धाम हैं जो 51 शक्तिपीठों में आते हैं। तो आइए अभी हम कुछ लोगों से आपको मिलाते हैं, कुछ यहाँ जो भक्त हैं दर्शन करने आए हैं उनसे भी जानते हैं यहाँ की क्या मान्यता है। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से आए हैं। हम तकरीबन 20 वर्षों से यहाँ लगातार आते हैं, वर्ष में 2 बार आते हैं यहाँ, और माता जानी की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। हम ही नहीं, हमारे जनपद से लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी दर वर्ष आते हैं। नहीं तो आप वहाँ सुल्तानपुर में कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील के हम करौदी कला से हैं और वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, और जो भी कार्य हम यहाँ सोच के आते हैं वो हमारी सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जो भी मान्यता वो मनोकामना लेके आता है सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। हम भैया जबलपुर से आए हैं। जबलपुर यहीं पे है जी? नहीं, दूर है जी। अच्छा, कब से आते हैं दर्शन करने? कई बार आई है? हाँ, कई बार आ चुके हैं हम, 6 महीने में अभी 2 बार हो गए हैं। यहाँ क्या मान्यता, क्या आपको लगता क्या? हाँ, यहाँ तो हर कार से दो जाते, जो अपनी मांगते हैं मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जो आराम से दर्शन करने के बाद बैठे हुए हैं तो आइए इनसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, अमरनाथ महाराष्ट्र से आए हूँ मैं, और काफ़ी यहाँ की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, हम लोग काफ़ी खुश हैं सब आकर के, बहुत अच्छे दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद हम लोग आराम से आके बैठे हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं या कई बार आए? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो दर्शन हो चुका है? दर्शन हो चुका है। यहाँ के बारे में और कुछ मान्यता ऐसा कुछ सुने हो? नहीं, कुछ सुना नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, बस यही सुना कि यहाँ पे आने पर सारी मनोकामना पूरी होती है, तो हिसाब से आया हूँ मैं, और मैं काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। मध्य प्रदेश के हैं। तो आप यहाँ कब से दर्शन करने आते हैं, कुछ बताएं यहाँ के बारे में? यहाँ सर मैं कम से कम 10 साल से दर्शन करने आ रहा हूँ। क्या है कुछ मान्यता, कुछ सुने हैं आप? काफ़ी बुजुर्ग हैं तो कुछ बताओ। जी हाँ, यहाँ मान्यता बहुत अच्छी है, शारदा माता सबको प्रसन्न करती हैं, सबको वरदान भी देती हैं, सिद्धा सिद्धि देती हैं, भक्ति देती हैं, सिद्धा से मानो तो पूर्ण कामना करती हैं। कहाँ से हैं? आइए इनसे जानते हैं कि क्या मैहर माता जी के बारे में आप क्या बताते हैं। चाचा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले? नहीं प्रभु, हम तो मध्य प्रदेश माने नरसिंहपुर जिला के हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आज दर्शन करने आए हैं? आज दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएं, क्या है कुछ इनके यहाँ के बारे में? तो माँ की इतनी विभाव लीला है कि वो कहने में माने अपनी सामर्थ्य नहीं है कहने की, जो कि तय उनकी लीला जो हो रही है और होएगी। कितने दिन से दर्शन करने और भी पहले आए? हाँ, पहली बार आए थे, कम से कम आज के 20 साल हो गए। तब से कुछ अब परिवर्तन हुआ? परिवर्तन पूरा परिवर्तन होगा, सब माने सब कुछ बदल दिया। अच्छा अच्छा, किस्मत बदल दी, भाव बदल रहे, सब कुछ बदल दें। अब हमारे बीच में इस माँ शारदा भवानी जहाँ मैहर स्थान है उस प्रांगण में आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, लोगों के भक्तों के मतलब सेवा भाव से उनकी मदद करते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम भाई साहब आप? मेरा नाम राम लखन पटेल। क्या किस पद पे या क्या करते हैं आप? मैं तो पंप चलाता हूँ। अच्छा, पानी की। तो क्या इसके मानने कब से हैं आप यहाँ पे तैनात? यह हम सन 1994 से। कहाँ मूल रहने वाले कहाँ के हैं? ये लोकल हैं हम, डेल्हा से। तो क्या आपको लगता है कुछ यहाँ के बारे में कुछ सिद्ध कुछ हम लोग बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये तो प्राचीन मंदिर है और लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे यहाँ आल्हा जी के स्नान कराते हैं तो कोई ना कोई वहाँ कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिला, कहीं जल मिला। कभी कभी ऐसा हमने भी देखा
कि अंदर कहीं की जगह नहीं है और वहाँ पे सर्फ भी कई एक बार मिले। देखिए जगह वहाँ नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है जाने की, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि वहाँ वो वाला सर्फ है, ये काटने वाला नहीं है, अरे उसको अजगर जी। जी तो ये थे हमारे बीच में जो आपने कुछ बताया।